YouTube के प्राचीन कान्या चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने आप से अवगत कराने की कोशिश करूँगा कि आप जो भी हो, अगर आप कायर हो तो दूसरे को नीचे गिराओगे, अगर आप महान हो, स्ट्रांग हो तो कभी भी आप दूसरे के प्रति गलत नहीं सोचोगे, बल्कि उसको अपलिफ्ट यानी कि ऊपर उठाने की कोशिश करोगे। तो आज के इस वीडियो का मतलब यही रहेगा कि कैसे भी करके, चाहे सिचुएशन या जो भी सारी चीज़ें चल रही हो, कैसे भी हों, आप कोशिश कीजिएगा कि किसी को अगर ऊपर भी ना उठा पाऊँ तो उसको नीचे भी ना गिरा पाऊँ। तो अपने अंदर इस तरह का ऑरा क्रिएट करो कि किसी को भी मुझे कभी भी नीचे नहीं गिराना है। अगर आप ऐसा कोई गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हो कि उसमें वो शख्स गिर जाए जिसके लिए आपने वो गड्ढा क्रिएट करा है, तो कल को ऐसा ना हो कि उस गड्ढे में आप ही गिर जाओ। तो कभी भी ऐसा काम मत करो कि दूसरा उसमें जाके गिर जाए। बेसिक सा बहुत सरलतम ज्ञान है, हम सबको ये पता है कि हमें किसी को नहीं गिराना चाहिए, लेकिन हम फिर भी हर दिन कोशिश करते रहते हैं, चाहे जलसी में चाहे किसी न किसी चीज़ में, कि कैसे मैं दूसरे का बुरा कर सकूं, कैसे वो मुझसे नीचे ही रहे, मैं उससे हमेशा ऊपर बढ़ता रहूं। लेकिन मुझे आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि नेचर के सिद्धांत इस तरह से काम नहीं करते। आप कुछ वक्त के लिए, एक फेज के लिए ऊपर जा सकते हो, लेकिन जब आप गिरोगे, अगर आपने किसी को गिराया है, तो आप बहुत नीचे तक गिरोगे और वो स्टेज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। दिक्कत ये देगी, आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो गिरोगे करोगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आप स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी गिरोगे। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या क्यों भेजा जाता है कि कैसे करके आप दूसरों को अपलिफ्ट कर सकते हो अपने द्वारा, कैसे भी करके, कोई भी किसी भी हेल्प के द्वारा कैसे उनको ऊपर उठा सकते हो। और हम क्या करते हैं, चल बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरी टांग खींचता हूँ और नीचे लेके चलता हूँ। हम सबकी, इसमें आप भी हैं, मैं भी हैं, सब लोग हैं, इस पूरी पृथ्वी पे यही काम चलता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में ये ज़्यादा है। हम नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी रहेंगे, हम उनके प्रति जलसी फील करते हैं। अगर उनका बच्चा कुछ अच्छा कर लेता है, आप कुछ कर लेते हो, तो दूसरे लोग आपसे जलसी फील करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से हमें उठने की ज़रूरत है। कम से कम मैं ये चाहता हूँ, अगर 2000 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 2000 में से कम 100 लोग भी इस मैसेज को अपने अंदर डाल लेंगे कि मुझे उसको पीछे नहीं खींचना है, उसको नीचे नहीं गिराना है, बल्कि मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि मैं कैसे आ गया हूँ। जैसा मैंने पहले बताया, बेसिक सी लाइन है, आप बचपन से इस चीज़ को सोचते होगे, देखते होगे। लेकिन हम दरअसल इसके बावजूद भी हमेशा किसी न किसी के पीछे लगे रहते हैं कि कैसे उसको नीचे गिराया जाए, कैसे उसका बुरा करते हैं, कैसे परमात्मा हमेशा उसका अच्छा करता है, हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं, क्यों उसको नीचे नहीं गिराते। आप ये भी कोशिश करते हो। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि तंत्र तांत्रिकाएँ जो दूसरे लोग रहते हैं उनके पास में जाते हैं कि मेरी ननंद है, ये मेरे ये लोग हैं, कैसे भी करके इनका नाश कर दो, कुछ भी कर दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये थॉट भी आपके अंदर है कि आप किसी के साथ में बुरा कराना चाहते हो, तो देखिए उसका बुरा होने से पहले आपका बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको हवा हवाई बातें लग रही होंगी, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो बीज हो चुका है, बीज बोलिए आपने अपने दिल के अंदर कि अब आपके अंदर से सिर्फ हेट, जलसी और ऐसे तत्व निकलेंगे जिससे कि आपका थॉट प्रोसेस ही खराब हो जाएगा। तो अब आप क्या होगे, किसी का बुरा करके आप एक अच्छा नहीं बन सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने इनविजिबल टैग लगा दिया अपने शरीर पे। अगर आप उस टैग को हटाना भी चाहोगे तो नहीं हट सकते, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस पर स्टाम्प भी लगा दिया कि आप बुरे हो और बुरा चाह रहे हो। अब उसके बाद आपने उसको क्रिया भी करा दी, उस तंत्र से, तांत्रिकाओं से, खुद से, जो तो जो कर सकते हैं आप जैसे करके, तो आपने एक पक्का नोटरी के साथ में, उसको बोलते हैं ना अपने यहाँ की भाषा में, अदालती भाषा में, कि सब कुछ जैसे भी पक्का हो सकता था वो कर दिया, पक्का वाला एक स्टाम्प पेपर बना दिया। तो अब उससे हटने के लिए उससे कैसे करना होगा, आपको भी वो झेलना पड़ेगा। तो देखिए, आपके बेसिक सी चीज़ समझ में ये नहीं आती है कि हमें किसी को अगर अपलिफ्ट करते हैं तो क्या दिक्कत है, हमें क्यों नीचे की तरफ लेकर जाना है। अगर आप किसी को आज अपलिफ्ट करोगे तो 10 times कोई आपको अपलिफ्ट करने के लिए आएगा, इस नेचर का सिद्धांत है। लेकिन अगर आज ही आप किसी को नीचे डाउन करने की कोशिश करोगे तो 10 times डाउन करने के लिए भी कोई आएगा, और वो शख्स वही होगा जो आपके सबसे करीबी होगा। क्योंकि आप जिसको अपलिफ्ट करने के बजाय डाउन करना चाह रहे हो, उसको नीचे गिराना चाह रहे हो, वो भी आपका कोई अपना ही है। क्योंकि हम जब भी किसी के साथ में साजिश करते हैं, कोई अपना ही होता है, कोई नॉन ही होता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज टू होते हैं जिससे, और जिसको हम बहुत करीब से जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए,
सबसे गलत बात है, घटिया सोच है। इस सोच से हमें आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग प्राचीन कहानियाँ चैनल को देखते हैं, जानते हैं और मेरे इर्द गिर्द जुड़े हुए हैं, तो कम से कम आप तो मत करो। 700 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। अगर 37-38 हज़ार लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, 4 से 10 लाख लोग हर महीने वीडियो देखते हैं, तो अगर इतने लोगों में भी सुधार आएगा और यही सुधार आप दूसरों के प्रति कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो सोचो चीज़ें कितनी चेंज हो जाएंगी। तो किसी को भी करो ना, बस रिवर्स ही तो करना है, नीचे से ऊपर की तरफ करना है। करके तो देखो कितना मजा आता है। एक बार को हम हमेशा अपना मेरा करते करते पागल होते जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। तो एक बार ये भी तो देखो, तेरा भाई, तू आगे बढ़ जा, तेरा ही सब कुछ है। ये करके तो देखो, अंदर से जो करुणा निकलेगी ना, अंदर से जो चीज़ें सेटल होना स्टार्ट होंगी, आप उनका रिजल्ट देख के चौंक जाओगे। बहुत अच्छी एक वो आती है, थॉट बनता है, आपको ऑरा चेंज होने लगता है, बिल्कुल आप पहले से चेंज हो जाते हैं, और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दो, नीचे कोई क्वेरी है तो उसके साथ में भी शेयर कर दो। मिलता आने वाली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।